Esther ki pustak adhyay 3. Esther ki pustak adhyay 3. इन बातों के बाद राजा क्षयर्ष ने आगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी परंतु मुर्दकै न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे उन्होंने मुर्दकै से पूछा तू राजा की आज्ञा क्यों उल्लंघन करता है जब उसने उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मुर्दकै कि यह बात चलेगी कि नहीं हामान को बता दिया उसने तो उसको बता दिया था कि मैं यहूदी हूं जब हामान ने देखा कि मुर्दकै नहीं झुकता और न दंडवत करता तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने केवल मुर्दकै पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मुर्दकै किस जाति का है इसलिए हामान ने क्षयर्ष के सारे साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मुर्दकै की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली राजा क्षयर्ष के 12वें वर्ष के निसान नाम पहले महीने में हामान ने अदार नाम 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर अर्थात चिट्ठी अपने सामने डालवाई और हामान ने राजा क्षयर्ष से कहा तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तीतर बितर और छिटकी हुई एक जाति है जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा दी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राजभंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को जो यहूदियों का बैरी था दे दी और राजा ने हामान से कहा वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे यो उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा क्षयर्ष के नाम से लिखी गई और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई और राजा के सब प्रांतों में से इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान क्या बूढ़ा क्या स्त्री क्या बालक सब यहूदी विध्वंस घात और नाश किए जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए उस आज्ञा के लेख की नकले सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाए यह आज्ञा शूनगढ़ में दी गई थी और डाकिये राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए और राजा और हामान तो जेवनार में बैठ गए परंतु शूनन नगर में घबराहट फैल गई